हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल असफियास किचन। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम बनाने वाले हैं वेज एग स्प्रिंग रोल। आज हम स्प्रिंग रोल्स भी बनाएंगे और उसके साथ हम बनाएंगे होममेड स्प्रिंग शीट्स। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ फ्लावर, मैदा, 2 कप फ्लावर, सॉल्ट टू टेस्ट, घी या फिर आप बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 स्पून घी ले रही हूँ और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसके लम्स ना रह जाए। और अब अच्छे से आटे को हम गूंद लेंगे पानी डालकर। इसको हम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करेंगे, मीडियम सा रखेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा रेडी हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ थोड़े से ऑयल में पत्ता गोभी। बस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोभी अच्छे से फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, काली मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट। मैं यहाँ पर 2 कैरेट्स ले रही हूँ। सब वेजिटेबल्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। सोया सॉस 1 टीस्पून। टोमेटो केचप 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ शेजवान चटनी, 1 टीस्पून शेजवान चटनी। और बस इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। हम इसमें ऐड करेंगे 3 बॉइल्ड एग। इसके मैंने स्मॉल पीसेस कर लिए थे। एग डालने के बाद हमें ज़्यादा इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्लोली इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ होममेड स्प्रिंग रोल शीट्स, जो मैंने आटा गूंद कर रखा था। और अब मैं इसके 2 पीसेस कर रही हूँ। 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैं छोटे छोटे से पेड़े बना रही हूँ। यहाँ मैं मीडियम साइज के चपातीज बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ।
और इसी तरह हम तीन भी रोटी अच्छे से बना लेंगे। तो हमारे चपातीस रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेकर ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी चपातीस के। अब हम इसके ऊपर मैदा स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। ऑयल और मैदा आप अच्छे से लगाओगे तो शीट्स आसानी से निकल जाएंगे। और अब तीन भी हम चपातीस को एक जगह एक के ऊपर एक रख देंगे। और अब मैं फिंगर्स की हेल्प से इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से रोटी बना ली है। तो अब हम पैन हीट कर लिया है मैंने, हम कोई भी ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं रोटी को अच्छे से सेक लूँगी। देखिए लाइट सा हमें ज़्यादा देर रखना नहीं है, थोड़ा सा हो जाए तो उसके बाद हम पीछे से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। तो हमारे शीट्स रेडी हो चुके हैं। इसको हम बहुत ही आराम से बहुत ही स्लोली इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए आप इसे कुछ भी बना सकते हो, समोसा, रोल्स, एनीथिंग। शीट्स रेडी हो चुके हैं तो अब हम बनाएंगे वेज एग रोल्स। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। हम इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा सेंटर में मसाला हमारा जो वेज एग रोल का है उसको अच्छे से फिल करेंगे। इसके बाद हम उसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से रोल कर रही हूँ, इसी तरह हम उसको अच्छे से रोल कर लेंगे। और जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे का वो हम पेस्ट अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए तो हमारे रोल्स रेडी हो चुके हैं। मैंने सारे रोल्स बना लिए थे ऐसे ही। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ, मीडियम फ्लेम पर हम इसे रखकर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि वो क्रिस्पी भी लगे और टेस्टी भी लगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और स्प्रिंग रोल्स रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।